ही गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक फॉर 2 to 3 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन और प्रिंटर का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। जो प्लेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है 1.5 मीटर, और जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो मैंने लिया है सिर्फ 1/2 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने फोर फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट कट करना है, तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5.5 इंचेस। तो फोल्डेड एरिया से हमें शोल्डर लेना है 5.5 इंचेस। आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 5.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 8.5 इंचेस। तो यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है उसे डिवाइड बाई 4 करना है, और उसमें 1 इंच ऐड करना है सीविंग अलाउंस के लिए। तो ये हो गया हमारा चेस्ट पार्ट। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैं लूँगी 14 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 7.5 इंचेस। और यहाँ पे भी हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से हमने ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पे राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ कर लेना है, तो ये हमने आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई यहाँ पे मैं लूँगी 3.5 इंचेस, और लेंथ में लूँगी यहाँ पे सिर्फ 2.5 इंचेस। और राउंड में शेप ड्रॉ करेंगे हम। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है, हमें इसे कट करना है। तो इस तरह से टॉप का पार्ट हमने कट कर लिया है। तो इस तरह के दो पीस है हमारे पास फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, बॉटम के लिए हमने दो रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं, जिसकी चौड़ाई मैंने ली है 30 इंचेस, और लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 11 इंचेस। तो इस तरह के दो पीस है बॉटम के लिए। अब देखिए, स्लीव्स को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने फोर फोल्ड किया हुआ है, और ये फोर फोल्ड मैंने लिया है यहाँ पे 7 इंचेस जितना। अब यहाँ से 2.5 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्कर लेना है, और यहाँ से हमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ करना है। तो इस तरह से ये हमने स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लिया है। स्लीव्स की लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 11 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारे स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 5 इंचेस। और यहाँ पे हमें शेप ड्रॉ कर लेना है यहाँ तक। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है, इसे हमें कट करना है। तो इस तरह का पार्ट हमने कट कर लिया है। हमारे पास इस तरह की दो स्लीव्स है। अब देखिए, स्लीव्स में रफल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दो स्ट्रिप्स कट कर ली है, जिसकी लेंथ मैंने ली है 3 इंचेस, जिसमें हम रफल तैयार करेंगे बाद में। अब देखिए, नेक में पैटर्न करने के लिए प्रिंटेड फैब्रिक को हमने फोर फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से हमें 3.5 इंचेस पे एक मार्क करना है, और लेंथ मैं लूँगी 2.5 इंचेस, और यहाँ पर हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। अब यहाँ से हमें लेंथ मार्क करनी है, तो मैं लूँगी यहाँ पे 5 इंचेस। बीच से भी हमें 5 इंचेस पे एक मार्क कर लेना है, और इस तरफ से भी हम 5 इंचेस पे एक मार्क करेंगे। और यहाँ पे तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह के हमें दो राउंड ड्रॉ करने हैं, और इसे हम कट करेंगे। जो जैसे हमने ड्रॉ किया है इसे हम कट करेंगे। तो इस तरह का राउंड शेप में हमने कट कर लिया है। इस तरह का पार्ट हमारे पास है, जिसे हम नेक पार्ट में यूज़ करेंगे। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है, यानी कि बैक का पार्ट हम उल्टा रख के शोल्डर फिटिंग करेंगे। दोनों तरफ सिलाई लगा के हमें शोल्डर फिटिंग करना है। ये हमारा शोल्डर फिटिंग हो चुका है। अब देखिए, ये जो हमने पैटर्न के लिए कट किया था सर्कल, उसकी बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो इसे हमें बैक साइड पे इस तरह से टर्न करके डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। आप चाहे तो पहले सिंगल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए, उसके बाद वापस इसे एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये हमारा डबल फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है।
अब ये हमारा टॉप का पार्ट है जिसे मैंने रॉन्ग साइड पे रखा हुआ है। इसके ऊपर ये जो हमारा सर्कल है इसे भी हम रॉन्ग साइड पे रखेंगे, यानी कि दोनों रॉन्ग साइड को हमें मिलाना है। और ये जो पूरा सर्कल है उसमें हम सिलाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे, तो कट लगाते वक्त ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद इस पार्ट को हम राइट साइड पे टर्न कर लेंगे, तो इसे अच्छे से हम राइट साइड पे टर्न करेंगे। तो इस तरह से हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। इस तरह से टर्न करने के बाद ऊपर से आप चाहे तो कवर सिलाई लगा सकते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो नेक पे आप कवर सिलाई लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम स्लीव्स को तैयार करेंगे। तो ये जो हमने रफल बनाने के लिए जो स्ट्रिप कट की थी, यहाँ पे हम ऊपर की तरफ लूज स्टिच लगाएंगे। तो दोनों स्ट्रिप में हम ऊपर की तरफ लूज स्टिच लगाएंगे और जो हमारी बॉर्डर है नीचे की उसे हमें बैक साइड पे इससे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे पिको भी कर सकते हैं। तो दोनों की बॉर्डर हमें फोल्ड करनी है। और ये जो हमारा बॉटम का पार्ट है इसे भी हमें रफल करना है, तो यहाँ पे भी हम लूज स्टिच लगाएंगे। तो दोनों पार्ट में ऊपर की तरफ हम लूज स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हमने लूज स्टिच लगा दी है और मैंने बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हमें एक धागे को सेपरेट कर लेना है। तो इस तरह से ये मैंने सेपरेट कर लिया है। अब यहाँ से हम हल्के हाथों से इसे खींचते जाएंगे ताकि इसकी गैदरिंग तैयार हो। तो इस तरह से हमें हल्के हाथों से इसे खींचते जाना है और इसे हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पूरी लेंथ में। इसी तरह से दोनों पार्ट में हमें गैदरिंग करनी है और जो हमने बॉटम का पार्ट तैयार किया था उसमें भी हम इसी तरह की गैदरिंग करेंगे। अब हम इस गैदरिंग को स्लीव्स के साथ ज्वाइन करना है। तो ये हमारा स्लीव्स का राइट पार्ट है जिसके ऊपर इस रफल को हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे सिलाई करके हम दोनों को ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से इस तरफ भी हमें रफल को उल्टा रख के यहाँ पे सिलाई कर लेना है। देखिए इस तरह से मैंने बॉटम पार्ट में भी गैदरिंग कर ली है। यहाँ पे भी हमें टॉप और बॉटम को ज्वाइन करना है। तो टॉप का पार्ट हम इसके ऊपर उल्टा रख के दोनों को यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे सिलाई करके। इसी तरह से बैक पार्ट में हम बैक का बॉटम ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर लिया है। अब इसके साथ हमें स्लीव्स को अटैच करना है और इसी तरह से मैंने टॉप और बॉटम को भी ज्वाइन कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें स्लीव्स को इस तरह से उल्टा रखना है और यहाँ पे दोनों को मिलाते हुए हम सिलाई कर लेंगे। तो हमारी स्लीव्स यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगी। इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव को भी यहाँ पे उल्टा रखना है। और दोनों तरफ से सिलाई लगा के हम स्लीव्स को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से ये हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हमें इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लेना है फिटिंग के लिए। तो इसे अच्छे से हम रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोनों को अच्छे से मिलाते हुए हम 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो ऊपर से नीचे तक हमें इसकी फिटिंग कर लेना है। देखिए हमने फिटिंग कर लिया है। अब हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो इसे सिंपली बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। इस तरह से हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है।
अब यहाँ पे हमें बो लगाना है, तो प्रिंटेड फैब्रिक से हमने एक बो बनाया हुआ है जिसे हम यहाँ पे और यहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने बो को फिक्स कर लिया है थ्रेड और नीडल से, और यहाँ पे इस तरह की मैंने पैटर्न की हुई है। और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर क्यूट सा बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार हो चुका है। गाइस तैयार है हमारा डिज़ाइनर क्यूट बेबी फ्रॉक। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।